एक भेंट जाति धर्म और संप्रदाय की सीमाओं से ऊपर उठकर संपूर्ण मानवता को एक जीवंत आध्यात्मिक प्रक्रिया भेंट करना ही इस वीडियो को बनाने और बांटने का उद्देश्य है इसमें भेंट की गई विधि पर अमल करके खुद को आनंदित व समर्थ बनाएं और अधिक से अधिक लोगों को यह वीडियो भेंट करें क्योंकि शांतिपूर्ण प्रेममय और आनंदित इंसान बनाना ही सबसे श्रेष्ठ कार्य है प्रेम प्रकाश और आनंद से भरी एक दुनिया अब इसका समय आ गया है आइए इसे कर दिखाएं। ईशा क्रिया इस धरती पर उपस्थित हर व्यक्ति को आध्यात्मिकता की कम से कम एक बूंद प्रदान करने के आंदोलन का एक हिस्सा है एक बूंद को कोई छोटी चीज न माने एक बूंद अपने आप में एक पूरा समुद्र है यह खुद की परम क्षमता तक पहुंचने का एक शक्तिशाली उपकरण है हमें आशा है कि ईशा क्रिया के अभ्यास से आप लाभान्वित होंगे वह इसे अन्य कई लोगों के साथ बांटेंगे भी ईशा क्रिया एक बहुत ही सरल अभ्यास है सब कुछ हमारे ही पास है कुछ अलग ढंग से उसका प्रयोग करना है बस आपकी सांस चल रही है देखिए हंसने से क्या होगा देखिए चल रही है या नहीं अभी है लेकिन यह मत सोचिए कि हमेशा रहेगी एक दिन यह नहीं रहेगी एक बार चेक करके देखिए चल रही है क्या चल रही है ना चल रही है इन बातों को आप हंसी मजाक में न ले ये कोई साधारण बात नहीं है सांस चल रही है यह कोई सामान्य बात नहीं है जब आप सुबह जागते हैं, अगर सांस तब भी चल रही है तो यह बहुत बड़ी बात है ना? अभी भी चल रही है रात को लेटने के बाद सुबह जगने से पहले कितने ही लोगों की लाखों लोगों की सांस बंद हो गई आज रात हमारी अब भी चल रही है यह बड़ी बात है कि नहीं क्या ये छोटी बात है बहुत बड़ी बात है कि नहीं तो इसे हल्के से न ले सांस चल रही है यह कोई मामूली बात नहीं है अब यह सांस अंदर आई बाहर गई अंदर आई बाहर गई अंदर आई बाहर गई अगर अगली सांस अंदर नहीं आई तो कहीं भी जाकर ढूंढिए वो आदमी नहीं मिलेगा आखिर कौन सी बड़ी बात हो गई एक सांस अंदर नहीं गई बस इतना ही कितनी छोटी सी बात है देखिए जरा बस इतना ही इतने में ही काम खत्म सांस यूं ही चलती रहती है लगातार मन में विचार चल रहे हैं क्या विचार दौड़ रहे हैं क्या दौड़ते ही रहते हैं सांस भी दौड़ती रहती है विचार भी दौड़ते रहते हैं आप जागरूक हैं आप ये नहीं बता सकते कि, कि किस हद तक लेकिन किसी हद तक आप जागरूक हैं इसीलिए तो पता चलता है कि आपका अस्तित्व है आपको कैसे पता चलता है कि मैं यहाँ हूँ एक हद तक जागरूक रहने के कारण ही तो जरा बन गए तो कहाँ रहते हैं आप पता ही नहीं चलेगा यह भी पता न चलेगा कि आप हैं या नहीं कहा की तो बात ही छोड़ दीजिए आपको कैसे पता चलता है कि मैं यहाँ हूँ मैं यहाँ बैठा हूँ जागरूकता की वजह से सांस अपने आप चल रही है विचार खुद ब खुद चल रहे हैं जागरूकता भी अपने आप बनी हुई है हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं हमें बस इन तीनों को एक साथ लाना है सांस अभी आपके अनुभव में नहीं है क्या आपको सांस के अंदर और बाहर होने का एहसास होता है क्या आपको पता चलता है सांस चल रही है इसका आपको एहसास नहीं है आप केवल इतना जानते हैं कि हवा के नाक से होकर जाने के कारण वहाँ संवेदना या सेंसेशन होते हैं आप केवल उन संवेदनाओं को ही जानते हैं अब आपके बगल में बैठा व्यक्ति अगर आपको छुए तो आप उनके हाथ को नहीं जान पाते आपको केवल अपने हाथ में होने वाली संवेदनाएं ही पता चलती हैं, है, है कि नहीं इसी तरह हवा जा रही है सांस हमारे अनुभव में नहीं है उसके कारण जो संवेदनाएं होती हैं, हमें केवल उसी का पता चलता है क्या आप जानते हैं मैं कहा हूँ मैं कहाँ बैठा हूँ जरा अपने हाथ से इशारा करके बताइए अभी मैं कहाँ बैठा हूँ बताइए यहीं पर तो लेकिन ऐसा नहीं है यह प्रकाश मेरे शरीर पर पड़ रहा है यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आँखों के अंदर जा रहा है फिर लेंस से गुजरकर कर रेचिना के ऊपर उल्टा चित्र बन जाता है यह सारी कहानी आपको पता है ना कि कैसे चल रहा है अब मैं कहाँ हूँ आपके अंदर ही हूँ मेरी बातें कहाँ सुनाई दे रही हैं? आपके अंदर ही सुनाई दे रही हैं। सारी दुनिया आपने कहा देखी अपने अंदर ही देखे तो फिर आपने बाहर क्या देखा आप बाहर देख नहीं सकते आप बाहर सुन नहीं सकते बाहर आप नहीं सकते छू नहीं सकते कुछ भी नहीं आपके साथ जो भी अनुभव हुए सब आपके अंदर ही हुए बाहर का अनुभव नाम की कोई चीज हमारे लिए है ही नहीं लेकिन हमारा सारा ध्यान बाहर की ओर है अब इस ईशा क्रिया में पहली चीज है आपकी सांस इस सांस को हम योग में कूर्म नाड़ी कहते हैं कूर्म नाड़ी से मतलब है यह एक रस्सी जैसी है आपको और आपके शरीर को बांध कर रखने वाली रस्सी है कूर्म नाड़ी आपकी सांस को अगर मैं यूं निकाल लू तो आप और शरीर अलग अलग गिर पड़ेंगे या नहीं अलग अलग गिर पड़ेंगे या नहीं यही पहला भ्रम है यहाँ दो जने हैं लेकिन ऐसा व्यवहार कर रहे हैं मानो एक ही व्यक्ति हो अगर मैं आपकी सांस खींच कर निकाल दू तो यह शरीर यहाँ गिरेगा आप कहीं और अलग अलग बंट जाएंगे दो हैं, लेकिन एक होने का ड्रामा चल रहा था इस कूर्म नाड़ी को या इस सांस को खींच कर निकालने पर दोनों जने अलग अलग हो जाएंगे ना फंस जाएंगे ना फसेंगे या बच निकलेंगे पता नहीं लेकिन दो बन जाएंगे एक होने का दिखावा करने वाले दो बन जाएंगे शादी की तरह है ये <laughs> दो लोग एक होने का दिखावा करते हैं जरा खींचने पर दो हो जाएंगे अब इस कूर्म नाड़ी यानी इस सांस के साथ हमें जरा सफर करना होगा अब जब पता ही नहीं है कि वह कहाँ रहती है तो उसके साथ कैसे जाएंगे इसके लिए उसके साथ जाने के लिए हमें करना यह है कि हमारे विचार चलते ही रहते हैं अब हमें करना यह है कि सांस और विचार को आपस में जोड़ दें। दोनों को जोड़ने पर विचार जहाँ जाता है वहाँ तक हम सांस के साथ जा सकते हैं और आ सकते हैं लेकिन सांस के साथ विचार को जोड़ने के लिए इन दोनों को साथ रखने के लिए उसमें जागरूकता का समावेश करना जरूरी है अगर इन तीनों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो इसे संभालना बहुत आसान हो जाएगा इसके साथ हम कौन सा विचार मिलाएं? अब यह शरीर जब यह पैदा हुआ यह ऐसा नहीं था इतना छोटा था अब इतना बड़ा हो गया कैसे क्या क्या खाया आपने रोटी चावल दाल समोसा सब कुछ जुड़ जुडकर ऐसा बन गया मैं नहीं आप सब कुछ जोड़कर यह खाए हुए खाने का एक ढेर ही है ना या फिर दूसरे शब्दों में इस धरती की मिट्टी को लेकर ही तो हमने इसका निर्माण किया है इसे हमने इकट्ठा किया है जिसे हम इकट्ठा करते हैं वह हमारा हो सकता है लेकिन हम उसे मैं नहीं कह सकते ऐसे ही बात करते करते यह घंटी यह हमेशा मेरे पास ही रहती है अगर मैं एकाएका सत्संग के बीच में आपसे कहूं कि यह घंटी मेरी है तो आप सोचेंगे अरे लगता है सदगुरु को कुछ हो गया है लेकिन सभी कहते हैं कि वे ज्ञानी हैं कुछ देर और बैठकर सुनते हैं थोड़ी देर बाद यदि दे मैं कहूं यह घंटी ही मैं हूं तो आप सोचेंगे इस घंटी के बजने से पहले चला जाना बेहतर होगा और आप पीछे से खिसक जाएंगे लेकिन रोज आप यही काम करते हैं आपकी थाली में खाना आता है आप कहते हैं यह मेरा भोजन है फिर आप उसे खा लेते हैं और खाने के बाद आप कहते हैं यह मैं हूं हु? यह पागलपन है ना पागलपन ही है ना इतने सारे लोगों के लिए हम पागल खाना नहीं बना सकते इसलिए यूं ही बाहर छोड़ दिया बाहर जो भोजन था उसे लेकर खाने के बाद मैं यही हूँ कहें तो यह पागलपन है कि नहीं दुनिया में सभी लोग इसी तरह रहते हैं इसीलिए अगर हमारी अक्ल काम करे तो इस पागलपन से भी बाहर आ सकते हैं अगर हम अक्ल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसी में चक्कर काटते रहेंगे अक्ल का जरा उपयोग करके सोचेंगे कि हमें बांधने वाली चीज कौन सी है तो पता चल जाएगा ना हमें बांधने वाली चीज हमारे शरीर के साथ बांधे रखने वाली चीज कौन सी है यह ही है इसे हम कूर्म नाड़ी कहते हैं इस रस्सी को पकड़े हुए अगर आप उसे बस थोड़ी जागरूकता के साथ करें तो इन दोनों में थोड़ा अंतर आ जाएगा मैं और शरीर के बीच थोड़ी दूरी आ जाएगी मैं और मन के बीच थोड़ी दूरी आ जाएगी जब मेरे और शरीर के बीच में मेरे और मन के बीच में जरा दूरी आ जाती है तब मैं अपने शरीर और मन का पूरी तरह से उपयोग कर सकता हूँ अभी ऐसा नहीं है उसमें उलझे रहने की वजह से उनका उपयोग करने में ही डर लगता है उनका उपयोग करने में एक बड़ा डर इस बात का लगा रहता है कि कहीं चला न जाए चला न जाए के बीच थोड़ी दूरी रहे तो हम इस इस शरीर और इस मन का चाहे जैसे उपयोग कर सकते हैं इस दुनिया में सफल कौन होता है जिस इंसान में इस शरीर और मन का पूरी तरह से उपयोग करने की क्षमता हो उसी को कामयाबी मिलती है यही नहीं अगर हमारे जीवन में दुख आए हैं तो वे कहाँ से आए हैं दुख शरीर में होता है या मन में होता है किसी और तरह का दुख पता है आपको और किसी भी तरह का दुख जानते हैं आप केवल दो ही तरीके हैं दुखिया तो शरीर में होता है या मन में दुखिया शरीर के जरिए आ सकता है या मन के जरिए आ सकता है अब अगर इस शरीर और हमारे बीच अगर एक दूरी आ जाए अगर इस मन और हमारे बीच एक दूरी आ जाए तो दुख नाम की कोई चीज नहीं होगी हमारे जीवन में जब हमारे अंदर दुखी होने का डर नहीं होता केवल तभी हम पूरी तरह से अपना जीवन जी सकते हैं जब तक हमारे अंदर दुखी होने का डर है तब तक हम अपने जीवन में एक भी कदम पूर्णता के साथ आगे नहीं बढ़ा सकते हम केवल आधे अधूरे कदम ही उठा रहे हैं पूरे जीवन में आधे अधूरे कदम लेते रहने के कारण जिंदगी ही आधी अधूरी हो गई है आधी अधूरी जिंदगी बस यातना ही है यदि आप पूरी तरह से जीवंत रहें, तो ये बढ़िया है जान जाने के बाद बढ़िया रहेगा या नहीं पता नहीं लेकिन आपको आधी जान का बना दें, तो ये यातना ही है ना? बहुत बड़ी यातना है कि नहीं अब इंसानों के जीवन में यही सबसे बड़ी तकलीफ है हर चीज में दुख है कोई भी काम पूर्ण रूप से करते नहीं बनता न हँस सकते हैं, न रो सकते हैं, न ना नाच सकते हैं, न गा सकते हैं। कुछ भी करना नहीं आता तभी तो थिएटर में जाकर फिल्म में रजनीकांत जो करते हैं उसे देख कर आना पड़ता है अपना जीवन पूरी तरह से जीना हो तो हमारे अंदर दुखी होने का डर नहीं होना चाहिए तभी हम पूरा कदम उठा सकते हैं पूरा कदम उठाने पर ही इसे पूर्ण जीवन बनाने का अवसर मिलता है सांस उसके अंदर एक विचार मिलाना है विचार उसके साथ जोड़ना हो तो वह जागरूकता के बिना नहीं हो सकता ये तीनों अगर एक साथ काम करेंगे तो एक तरह की परिस्थिति का निर्माण होगा इस परिस्थिति को इस सत्य को अगर आप पूरे शरीर में फैलाना चाहें तो उसके लिए एक तरीका है आइए इस पर गौर करते हैं अब बुनियादी तौर पर हमें करना यह है कि अंदर आने वाली सांस के साथ एक तरह का विचार जोड़ना है बाहर जाने वाली सांस के साथ एक और विचार जोड़ना है कौन सा विचार सांस अंदर लेते समय मैं शरीर नहीं हूँ और सांस छोड़ते समय मैं मन भी नहीं हूँ सच है ना? सच ही है ना? जिसे आप शरीर कहते हैं वह बाहर से इकट्ठा किया है न मन में जो कचरा है वह भी बाहर से ही जुटाया है ना आपने बाहर से जो इकट्ठा किया है वह आपका हो सकता है लेकिन उसे आप कभी भी मैं नहीं कह सकते इस सत्य को हमें अपनी सांस के साथ जोड़ लेना है मैं शरीर नहीं हूँ मैं मन भी नहीं हूँ मैं शरीर नहीं हूँ मैं मन भी नहीं हूँ हमें अपना हाथ हथेलियों को ऊपर की ओर करके रखना है आपने शिवा काशी वाले कैलेंडर बहुत ज्यादा देखे हैं। मैं कुछ भी कहूँ आप ऐसे ही पकड़ेंगे उसकी जरूरत नहीं है हाथ को इस तरह से बिल्कुल ढीला रखना है अपनी रीढ़ को जितना हो सके उतना सीधे रखना है अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे है अगर आपकी रीढ़ रस्सी की तरह हो गयी है एकदम कमजोर हो गयी है तो जरा पीठ का सहारा लेकर बैठ सकते हैं और पालथी लगा इस तरह से बैठिए इस तरह बैठकर हमें अपने सांस के साथ दो विचार जोड़ने हैं सांस अंदर लेते वक्त मैं शरीर नहीं हूँ सांस बाहर छोड़ते वक्त मैं मन भी नहीं हूँ यह विचार जितना लंबा रहता है सांस लेने में उतना ही समय लगना चाहिए सांस छोड़ने में उतना ही समय लगना चाहिए इस तरह चंद मिनट तक सात से ग्यारह मिनट तक करना चाहिए आज हम सात मिनट तक करेंगे सात मिनट तक यह चलना चाहिए उसके बाद क्या करना है आ की ध्वनि का सात बार उच्चारण करना है अब हमारा जमाना ऐसा हो गया है कि एक छोटी सी बात बताएं तो भी उसकी व्याख्या करनी होती है केवल कहने मात्र से करने वाले लोग बहुत कम ही हैं ना? बाकी लोगों को सब बताना पड़ेगा कि आ किस लिए आ किस लिए करना है मैं पा करूं तो आ इसलिए क्योंकि हमने यूं ही बिना किसी कारण के आ को पहला अक्षर नहीं बनाया ये बहुत सोच समझ कर किया गया है जिस तरह से हमारा एक भौतिक शरीर है उसी तरह से एक मानसिक शरीर भी है और एक ऊर्जा शरीर भी है इस ऊर्जा शरीर में बहत्तर हजार नाड़िया है ये बहत्तर हजार नाड़िया एक सौ चौदह जगहों पर मिलकर फिर बंट जाती हैं। इसे एक जंक्शन बॉक्स ही समझ लीजिए सब जगह बिजली प्रवाहित हो रही है जगह जगह पर जंक्शन बॉक्स लगे हुए हैं। इस तरह 114 जंक्शन बॉक्स हैं। इनमें 112 शरीर के अंदर हैं। दो शरीर के बाहर हैं। इन 114 जंक्शन बॉक्सों में ये नाड़ियाँ मिलकर फिर बंट जाती हैं। लेकिन सिर्फ एक जगह ऐसी है जहाँ सभी बहत्तर हजार नाड़ियाँ आकर मिलती हैं और फिर बंट जाती हैं। और वह स्थान है हमारी नाभि के जरा सा नीचे लगभग पौना इंच नीचे इसे हम योग में मणिपूरक कहते हैं एक सौ चौदह जंक्शन बॉक्सों को हम चक्र कहते हैं एक सौ चौदह चक्र हैं। इनमें से यह एक चक्र है सिर्फ इस मणिपूरक चक्र में बहत्तर हजार नाडियाँ मिलकर फिर बंट जाती हैं। अगर आप आ शब्द का उच्चारण करते हैं तो आप देखेंगे कि उसके कंपन आपकी नाभि के करीब पौना इंच नीचे शुरू होते हैं और शरीर में हर तरफ फैल जाते हैं इसे अनुभव करके देखिए अपनी आंखें बंद कीजिए अपनी रीढ़ को सीधा रखिए आ शब्द का उच्चारण कीजिए और कंपनों को महसूस कीजिए अपनी आंखें खोलिए आप देखेंगे कि कंपन आपकी नाभि के पौना इंच नीचे से शुरू होकर पूरे शरीर में फैल रहे हैं यह एकमात्र ऐसी ध्वनि है जो कंपनों को पूरे शरीर में फैलाती है हम कोई चीज बनाते हैं और उसे पूरे शरीर में पहुंचाने की इच्छा करें तो हमें उसे इसी स्थान पर ले जाना होगा जब आप माँ के गर्भ में थे उस समय आपको उनकी सारी शक्ति जो मिली उसे मुंह में डाला गया था क्या कहाँ डाला गया था नाभि में है ना? वहां पर ऐसी एक शक्ति मौजूद है वहाँ मणिपूरक चक्र होने के कारण वहाँ जो भी चीज आती है उसे पूरे शरीर में पहुँचाया जा सकता है अब हमारे अंदर जो भ्रम है यानी दो जने हैं लेकिन वे एक व्यक्ति की तरह नाटक कर रहे हैं इस भ्रम से बाहर निकलना है तो सांस के अंदर इस विचार को इस जागरूकता को मिला देने पर, थोड़े ही दिनों में इसके और उसके बीच थोड़ी दूरी आ जाएगी हाय शरीर चला जाएगा क्या शरीर कहीं नहीं जाने वाला आप शरीर का अच्छी तरह उपयोग कर सकते हैं। किसी भी चिंता के बिना शरीर का उपयोग किया जा सकता है किसी भी चिंता के बिना मन का भी पूरी तरह से उपयोग किया जा सकता है अंदर आने वाली सांस में मैं यह शरीर नहीं हूँ और बाहर की सांस में मैं यह मन भी नहीं हूँ इसे मैं आपके साथ साथ बोलता जाऊंगा जैसे जैसे मैं कहता जाऊं वैसे वैसे आप करते जाइए उसके बाद जब मैं आ कहूँ तब सात बार आ का उच्चारण करना है इस क्रिया का अभ्यास करते समय आप अपने चेहरे को जरा सा ऊपर करके बैठें, आंखें बंद रहें और आपकी हथेलियाँ ऊपर की ओर हों। अगर आप चेहरा जरा सा ऊपर उठाकर बैठेंगे तो आपका ध्यान अपने आप भौ के बीच में केंद्रित हो जाएगा आपको बड़ी तीव्रता के साथ ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है भौ के बीच में फोकस या कंसंट्रेशन करने की जरूरत नहीं है अपनी आंखें बंद करके चेहरा ऊपर उठाकर बैठें, तो ध्यान अपने आप वहां लग जाएगा इस हद तक हल्का ध्यान लगाकर हमें यह अभ्यास करना है जब मैं आ कहूँ तो उसके पीछे आपको भी सात बार आ कहना है और उसके बाद बस थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठना है आंखें खोलने का निर्देश मिलने तक आंखें बंद किए हुए ऐसे ही बैठना है